करते हैं, जो चेन का पूरा स्प्रे जो आता है ऊपर व्हील पे आता है, तो उसको कैसे क्लीन करते हैं। हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं बुलेट गुरु, मैं जितेंद्र। दोस्तों आज जो हम प्रोडक्ट यूज़ करने वाले हैं वो है बेसिकली टायर के लिए, टायर के शाइनिंग के लिए, ट्रिम की क्लीनिंग के लिए जो है ये प्रोडक्ट आया हुआ। ये आप देखते हैं व्हील क्लीनर है और ये एक्सट्रीम टायर शाइनर है। तो आज जो है हम इसको अपने व्हील पर यूज़ करने वाले हैं। बुलेट आपको शाइनिंग दिख रही होगी मगर इसके व्हील पर बहुत ज़्यादा जो है डस्ट लग जाता है, ठीक है। और जो टायर की जो एक्चुअल रबर शाइनिंग होती है ना ब्लैक, वो नहीं रहती है। तो उसके लिए जो है आज हम यूज़ करने वाले हैं फॉक्स केयर का व्हील क्लीनर एंड फॉक्स एयर का एक्सट्रीम शाइनर। ये टायर और रिम दोनों के लिए होता है, तो आज दोनों ही प्रोडक्ट यूज़ करने वाले हैं। बहुत सारी डिटेलिंग आगे आने वाली है, तो मेक श्योर इस वीडियो को आखिर जरूर देखिएगा। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों व्हील का प्रोसेस किस तरह से वो बताता हूँ, मगर उससे पहले अगर मैं चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब कर लेना चाहेंगे ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके टाइम टाइम आ सके। तो दोस्तों पहले जो हम इसको क्लीन करेंगे हल्के से गीले कपड़े से, उसके बाद जो है व्हील क्लीनर यूज़ करेंगे। व्हील क्लीनर पूरे व्हील पे यूज़ करने वाले हैं, फिर जो है जो शाइनर है एक्सट्रीम शाइनर वो यूज़ करके दिखाता हूँ। एंड इसको एक और प्रोसेस कर सकते हैं आप, वॉशिंग के टाइम पे भी सेम इसको यूज़ कर सकते हैं, बट अभी मैं वॉशिंग नहीं करा रहा हूँ, पहले मैं इसको आपको क्लीन कर दिखाता हूँ। दोस्तों पहले सिर्फ आपको कोई भी कपड़े से जो है पहले जो ऊपर डस्ट है ना वो साफ़ कर देना। अभी नॉर्मल क्लीन हो गया है, अब जो है इसमें हम ये क्लीनर यूज़ करेंगे, व्हील क्लीनर। व्हील क्लीनर आप पूरे पे यूज़ कर सकते हो, रिम पे भी और टायर पे भी। तो दोस्तों अभी हमने जो है इसमें व्हील क्लीनर यूज़ किया हुआ है एंड उसकी वजह से आप स्पोक्स देख सकते हैं। एंड मैंने दूसरी तरफ नहीं किया था कि मैं आपको दिखा सकूँ बिफोर आफ्टर कैसा होता है। ये देखिए पहले जो था कुछ इस तरह था, तो स्पोक्स भी जो है आपको पूरे क्लीन नहीं दिखाई देंगे, व्हील भी आपको पूरा क्लीन नहीं दिखाई देगा, कुछ इस तरह से कंडीशन था। बट अभी जो है पूरा ऑलमोस्ट क्लीन हो गया है, बट अभी शाइनिंग जो चाहिए वो नहीं आई है। तो अभी इसमें हम शाइनर भी इसको यूज़ करने वाले हैं। दोस्तों अभी यूज़ करने वाले हैं फॉक्स एयर का एक्सट्रीम शाइनर। ये रिम, अगेन बोल रहा हूँ, रिम और आपका टायर दोनों के लिए होता है, तो दोनों पर इसको स्प्रे करेंगे अच्छे से एंड थोड़ी देर उसको रहने देंगे, कम से कम दो एक एक डेढ़ मिनट के लिए, उसके बाद आप उसको क्लीन कर देंगे। अब इसको साफ कर देते हैं अच्छे से। तो दोस्तों अभी हमने यूज़ किया था एक्सट्रीम शाइनर फॉक्स केयर का एंड ये आप देख सकते हैं शाइनिंग पूरे व्हील की, व्हील एंड टायर आप दोनों देखेंगे तो एक्चुअल जो ब्लैक कलर होता है वो देखने मिलता है। एंड मैंने दूसरी तरफ नहीं किया अगेन दिखाने के लिए आपको कि पहले कैसे दिखता था, पहले जो था वो इस तरह दिख रहा था एंड आपको पूरी डस्ट जो है वो दिखाई देगी। एंड मेन चीज़ ये है कि अगेन ये स्टिकी नहीं है, ठीक है, ये स्टिकी चिपचिपा नहीं है जिससे डस्ट जो है ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं होगी। एंड आप इजीली देखा आपने मुश्किल से 5 मिनट टाइम लेके जो है फ्रंट एंड रेयर दोनों में कर सकते हैं, मैंने रेयर में भी तक किया नहीं है। एंड रेयर में एक लोगों को प्रॉब्लम होती है कि चेन जो होता है ना उसका पूरा जो है ये स्प्रे आप देख रहे हैं, ये देखिए ये चेन का जो पूरा है ये पूरा जो है क्लीन नहीं होता जल्दी। तो इसको भी चलिए मैं करके दिखाता हूँ किस तरह से इसको आप इसको ईजिली क्लीन करते हैं, जो चेन का पूरा स्प्रे जो आता है ऊपर व्हील पर आता है तो उसको कैसे क्लीन करते हैं। तो दोस्तों पहले सेम किसी भी कपड़े से आपको साफ़ करना है इसको। एंड अगर आप अभी देखेंगे तो आपको पूरा स्पॉट दिखाई देगा, ये देखिए ये आपको स्पॉट दिखाई दे रहा होगा, ये पूरा चेन स्प्रे है जो व्हील पे लगता है। तो साफ जो है डस्ट ऊपर से हो चुका है। तो सेम इसमें अभी यूज़ करने वाले हैं व्हील क्लीनर, क्लीनर से आपको स्प्रे करना है जस्ट। एंड थोड़ा सा इसको रिम पे भी आप जो है लगा दीजिए। तो अभी थोड़ी देर इसको रहने देंगे, जितने भी लूप लगा हुआ है ना टायर पे डस्ट लगा हुआ है सब जो है निकल जाएगी। उसके बाद कम से कम 2 मिनट रहने दीजिए, 2 मिनट के बाद उसको पूरा क्लीन करेंगे। तो दोस्तों अब हम क्लीन करने वाले हैं इसको अच्छे से। तो दोस्तों अभी क्लीनर यूज़ किया था, क्लीनर से आप देखते हैं चेन लूप के जो दाग है ना वो सब निकल चुके हैं, ठीक है। तो आप आराम से जो ये आप स्पोक्स में भी देखेंगे तो इसमें जो है क्लीनर आपको दिख रहा होगा एंड व्हील का भी शाइनिंग नहीं आई है क्योंकि हमने शाइनर जो है अभी तक यूज़ नहीं किया, अभी सिर्फ क्लीन किया हमने। एंड अपोजिट साइड में दिखाता हूँ जस्ट आपके आइडिया के लिए ये पहले कैसे दिखता था। ये देखिए पहले जो व्हील है कुछ ऐसा दिख रहा था, तो जस्ट आपको दिखाने के लिए मैं एक साइड का नहीं कर रहा हूँ ताकि आपको एक्चुअल में आइडिया हो कि पहले कैसा था और बिफोर आफ्टर का आपको आइडिया हो जाए। तो चलिए अब इसमें शाइनर यूज़ करते हैं। दोस्तों अब यूज़ करने वाले हैं एक्सट्रीम शाइनर, तो इसका देखते हैं। इसको आप सेम अगेन मैंने पहले बता रहा हूँ टायर और व्हील दोनों पर यूज़ कर सकते हैं, तो इसको आप स्प्रे करते हैं।
इसको भी 2 मिनट हम रहने देंगे, उसके बाद जो है इसको पूरा कप माइक्रोफाइबर क्लोथ से क्लीन कर देंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अभी हमने टायर शाइनर यूज़ किया था फॉक्स केयर का, एंड उसके बाद रबर का जो ब्लैकनेस है वो एक्चुअल में देखने को मिल रहा है, ये देखिए। एंड बाकी एरिया भी जो है वो इसी से आप क्लीन कर सकते हैं। ये सिर्फ व्हील के लिए नहीं, बाकी जो लोअर पार्ट है वहाँ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। एंड ये बिफोर का, पहले को जैसा लगता था। एंड मेन चीज़ इस पॉलिश की ये है कि जो मैंने पहले ही बोला था कि डस्ट जो है वो अट्रैक्ट नहीं होता, तो डस्ट अट्रैक्ट नहीं होता, उसकी वजह से क्या है लॉन्ग टाइम तक शाइनिंग जो है आपको ऐसी दिखाई देगी। तो दोस्तों आपने देखा जो व्हील क्लीनर है और व्हील शाइनर है किस तरह से वर्क करता है। टायर का एक्चुअली शाइन के लिए आप इस प्रोडक्ट को ईजिली यूज़ कर सकते हैं, एंड दोनों ही प्रोडक्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जहाँ से आप ईजिली इसको बाय कर सकते हैं। एंड मुझे सही में अभी फर्स्ट टाइम मैंने इसको यूज़ किया, वर्क तो अभी अच्छा है, एंड लॉन्ग टर्म का रिव्यू भी अगर जरूर दूंगा इसको यूज़ करने के बाद में कैसा एक्चुअली में इसका वर्किंग रहता है। एंड बाय करने जाते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेकआउट करेगा। यहाँ वीडियो को एंड करते हैं, ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, और देखते रहिए ब्लड ग्रुप, ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए आती रहेंगी। बाय।